introduction, one, some not, or no. आज हम देखेंगे आर और सम का केस, आर ए आर बी, आर बी आर सी, आर सी आर ए। इसका फेड डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये स्टेटमेंट है आर ए आर बी, पूरा का पूरा ये बी है, अल बी आर सी पूरा का पूरा सी है, अल सी आर ए पूरा का पूरा सी, अल सी आर टी। तो इसका मैक्सिमम कैसे है, कैसे फाइंड करें? अंदर से बाहर अल प्लस सम होता है, बाहर से अंदर केवल सम होता है, ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आप देखते हैं, ए से बी जाएंगे, ए से सी जाएंगे, ए से डी जाएंगे, क्योंकि ए से बी क्या, अंदर से बाहर क्या देखेंगे, अल और सम दोनों हो गए, क्या हो जाएगा, अल ए आर बी, अल ए आर बी सम ए आर बी, चूंकि अल और सम दोनों कैसे होता है, अल के कैसे, तो क्या हो जाएगा, सम ए आर सी। आप अगर हम ए और सी के बीच में देखते हैं कि पूरा का पूरा जो ए है वो क्या है, सी है, यहाँ भी क्या होगा, अल और सम दोनों कैसे होगा, चूंकि ये अंदर से बाहर है तो क्या हो रहा है, अल ए आर सी, अल ए आर सी सम ए आर सी, ए आर सी। अब अगर हम ए से डी की ओर अगर हम देखते हैं तो वैसे यहां भी होगा, पूरा का जो पूरा का पूरा ए है वो क्या, डी है, में से क्या अल और सम दो ही बात बोलेगा, ये क्या होगा, अल ए आर डी, अल ए आर डी, अल सम ए आर डी फिर होगा, सम ए आर डी होगा। अब ये ए से कम बी तक का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, अंदर से पढ़ा, बी से डी भी हो सकता है, पूरा का पूरा जो बी है वो क्या डी भी हो सकता है, और पूरा का पूरा जो सी है ये डी भी हो सकता है, इसी केस में भी हम आर और सम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, और बी आर सी, आर आर बी आर सी, क्या हो जाएगा, सम बी आर सी, सम बी आर सी। बी से सी का देखिए, चूंकि बी और डी का भी हो सकता है रिलेशन, क्योंकि पूरा का पूरा जो किया ये डी भी होगा, क्या हो जाएगा, अल बी आर डी, अल बी आर डी सम बी आर डी, सम बी आर डी। अब बचा क्या, अंदर से बाहर इसमें भी सी और डी के बीच में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो सी है वो क्या हड्डी है, इस केस में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, दही पर खोले या तो क्या अंदर से बाहर दो ही बात कर सकते, क्या हो जाएगा, अल सी आर डी, अल सी आर डी सम सी आर डी, सम सी आर डी। यहां से यहां तक जो हमने देखा है वो क्या, अंदर से किया से बाहर क्यों, मैक्सिमम कंक्लूजन कितना 12। अब बाहर से अंदर की ओर अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम कंक्लूजन हम लिखते हैं, बी से ए जाएंगे क्योंकि बाहर से अंदर क्या ओनली सिंपल सम होता है, क्या सम बी है, ए सम बी है, ए बी से ए हो गया। अब हम सी से बी ए पर जाएंगे, क्या सम सी है,
इसका ए, सी से तो ए हो गया, सी से बी भी होगा, इसके से भी सम होता है, क्योंकि बाहर सब क्या होता है, सिर्फ सम होता है, तो सम सी आर भी हो जाए, सम सी आर बी, बी और सी के केस का हम देख लें, आप देखते हैं डी से, क्योंकि ये भी बाहर है, बात बाकी सब क्या है अंदर है, बी से ए के बीच में पहुंचा देते हैं, उसका डी से बी देखे हैं, डी से सी देखे हैं, डी से बी और सी सब देखे हैं, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं इस फिगर पे मैक्सिमम कितने कंक्लूजन होता है, मैक्सिमम 18 कंक्लूजन होता है, अगर इस तरह से अगर हम जाने एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सम के केस पे हम लोग जानते हैं सम ए आर बी, यानी कि ये पूरा ए है ठीक है, लेकिन ए का जो कुछ पार्ट है सम जिसको बोलते हैं, यानी कि सम ये सम मतलब क्या, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है, पूरा छोड़ के ये क्या है सम है, सम ए आर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इस केस में क्या बोलता है लेफ्ट क्या बोलता है राइट से भी एक ही बात बोलता है, क्या बोलता है ये सम बोलता है इधर सभी सम बोलता है, क्या हो जाएगा सम, इधर सभी क्या बोलता है सम बोलता है, इस केस में इसका कंक्लूजन कैसे होगा, सम ए आर बी मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आप देखते हैं मैक्सिमम कंक्लूजन सम ए आर बी, सम ए आर बी, दूसरा सम बी आर है, सम बी आर ये इस तरह से इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना आता है, टू होता है, अब हम दोनों को कंबाइन कंबाइन करते हैं, एग्जांपल लेते हैं ठीक है, स्टेटमेंट है और ए आर बी, दूसरा सम बी आर सी, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ होगा, ये क्या ए है और ए आर बी का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा ए है वो क्या बी है, इसी से तो अंदर से सम बी आर सी, सम बी आर सी कुछ भी क्या सी है, मैक्सिमम कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर दो बात बोलता है, क्या बोलता है एक आर बोलता है दूसरा सम बोलता है ठीक है, इस दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखते हैं तो कंक्लूजन पाना क्या हो जाए, सम ए आर बी, सम ए आर बी और ए आर बी और ए आर बी और बाहर संदर्भ क्या एक ही बात बोलता है सिर्फ सम बोलता है, तो क्या हो जाएगा सम बी आर है, सम बी आर ये हो जाएगा, अब ये दोनों के पीछे तो मेरा रिलेशन हो गया, कितना मैक्सिमम कंक्लूजन लिख सकते हैं, लेकिन बी और सी के बीच में तो कुछ नहीं पता है, तो ये सम का केस है ठीक है, कुछ जो सी है वो बी है, कुछ भी क्या सी है, ये दोनों कम है, इस केस में पहले बता चुके हैं लेफ्ट एक ही बात बोलता है सम में, लेफ्ट सम बोलता है राइट भी सम बोलता है, दोनों साइड से सम बोलवा देंगे तो दो रिलेशन फाइंड होगा, कैसे कंक्लूजन होगा तो क्या हो जाएगा, चार है सम बी आर सी एंड सम बी आर सम सी आर सम बी आर सी सम सी आर बी बी आर सी
सम सी है बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, स्टेटमेंट है नो का केस देख लेते उसके बाद। नो अमन अमन नो का केस में नो ए आर बी क्या हो जाएगा, ए है पूरा का पूरा जो ए वो क्या है बी है, ये तो बोल सकते हैं नो बी आर ए ये नो ए आर, यानी कि दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन क्या हो रहा है, तो इसमें इधर सम बोलवा देते, एक नो एक बोलवा देता और एक सम नोट बोलवा देता, सम नोट बोलवा देता ठीक है, इधर से नो और सम नोट बोलवा देता है ठीक है। इसका मैक्सिमम कंक्लूजन अगर हम देखते हैं इस केस में क्या बोलेंगे, नो ए आर बी सब ए आर नोट बी ठीक है। इधर से अगर हम उधर पर वाई बी से ए के ऊपर वाई तो नो बी आर है सम बी आर नोट बी, तो कंक्लूजन क्या होने वाला है, नो ए आर बी नो ए आर बी सम ए आर नोट बी, क्योंकि आप पहले लिख चुके हैं सम ए आर नोट बी। तीसरा क्या हो जाएगा, इधर से एक बार हम बोलवाएंगे नो और सम नोट तो ही बात बोलेगा, नो बी आर ए नो बी आर ए सम बी आर नोट ए सम बी आर नोट ए होगा। इस तरह से इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, चार होगा। बहुत अच्छा पाया है।